नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद जादव, आपका स्वागत करता हूँ रवि माता के एक और एपिसोड में। और आज आपके लिए लेके आया हूँ मेम्ब्रेन टेस्टिंग मशीन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस मशीन की। ये एक वैक्यूम टेस्टिंग मशीन है जिससे आप आपके मेम्ब्रेन को चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी मेम्ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। बेसिकली ये उनके लिए है जो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर करते हैं और जिनको ये टेस्ट करना है कि उनके मेम्ब्रेन में कोई लीकेज नहीं है और उनके मेम्ब्रेन में बेसिकली कोई फॉल्ट नहीं है। तो वैक्यूम टेस्टिंग के थ्रू हम लोग किसी भी डोमेस्टिक मेम्ब्रेन को चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे इस मशीन के सहायता से हम लोग आरओ मेम्ब्रेन को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये वैक्यूम टेस्टिंग मशीन है, कुछ इस प्रकार से दिखती है। इस मशीन के अंदर हमें पानी डालना होता है। यहाँ पे ये वाटर टैंक है, यहाँ पे पानी डालना होता है। और ये जो उसका कनेक्टर है, इसमें हमने यहाँ पे एक इस प्रकार से जुगाड़ बनाया है जिसमें हम लोग मेम्ब्रेन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आरओ मेम्ब्रेन को हम लोग लगाएंगे और वैक्यूम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या वो मेम्ब्रेन वर्किंग कंडीशन में। यहाँ पे आपको दो प्रेशर गेजेस दिखाए हैं। बेसिकली ये प्रेशर गेज आपको वैक्यूम दिखाने के लिए है। जो पंप जब हम लोग चालू करेंगे तब ये मेम्ब्रेन के अंदर से हवा खींचेगा और जब भी हम लोग इसकी रीडिंग लेंगे तो जब वैक्यूम टेस्ट करेंगे तो जो वैक्यूम है वो 0.0506 के ऊपर जाना चाहिए, 0.08 तक। अगर वो 0.03 तक ही जा रहा है तो उसका मतलब है मेम्ब्रेन जो है आपकी ओपन हो चुकी है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे और फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छी मेम्ब्रेन को टेस्ट करेंगे। ये अच्छी मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग ये कनेक्शन है इसके अंदर लगाएंगे इस प्रकार। और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे दो प्रेशर गेज है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। और जो प्रेशर है आप देख सकते हैं 0.09 के ऊपर गया हुआ है, यानी कि ये मेम्ब्रेन जो है ये अच्छी मेम्ब्रेन है, ये लीकेज नहीं है अंदर से, यानी कि इसकी शीट प्रॉपर है, इसकी ग्लूइंग जो है वो प्रॉपरली हुई है और ये मेम्ब्रेन जो है वैक्यूम टेस्ट पास कर चुकी है। अभी हम लोग देखेंगे कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो फेल्ड है, यानी कि जो ख़राब है, जिसने TDS छोड़ दिया है। तो इसको बंद कर देते हैं। जैसे हम लोग इसको बाहर निकालेंगे आप वैक्यूम का आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो अभी मेरे पास में ये मेम्ब्रेन है जो ख़राब हो चुकी है, तो इसको हम लोग वापस से इसके अंदर फिट करेंगे और दोबारा से चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर जो है वो 0.03 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, मुश्किल से वो 0.03 और 0.04 के बीच में अटका हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये ख़राब है। तो इसको हम लोग खींचते हैं बंद करके। तो इसमें कोई वैक्यूम बना ही नहीं है। तो ये ही मेम्ब्रेन है, वापस से मैं इसे लगा देता हूँ, जो अच्छी मेम्ब्रेन है। इसको हम लोग ऑन करते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन अच्छी है और 0.09 के ऊपर जा रही है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसी मेम्ब्रेन को हम लोग थोड़ा सा ब्लेड से कट कर देते हैं, तो हमें पता चलेगा कि वाकई में ये वैक्यूम पंप काम करता है या नहीं। यानी कि ये मेम्ब्रेन को हम लोग ख़राब करेंगे और देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन का मतलब ये वैक्यूम टेस्टर काम करता है या नहीं। तो इस ब्लेड से मैं इसको कट कर देता हूँ। हो गया होगा, आई होप सो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कट कर दिया है मेम्ब्रेन को। अभी हम लोग इसको चालू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वो मेम्ब्रेन जो है वो 0.03 और 0.04 के बीच में ही वैक्यूम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वैक्यूम हो नहीं पा रहा प्रॉपरली। इसका मतलब है कि ये मेम्ब्रेन जो है अंदर से डैमेज है, या तो इसका ग्लू निकल चुका है या कहीं से कट लग चुका है, जैसे कि हमने यहाँ पे फिजिकली कट करके दिखाया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे कि ये एक और प्लग है, यहाँ पे हम लोग एट ए टाइम दो मेम्ब्रेन चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो ये कांटा ऊपर जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। सिमिलर केस में जब आपकी मेम्ब्रेन अच्छी होगी तो ये वैक्यूम क्रिएट होगी, अंदर का जो शीट है वो प्रॉपरली ग्लूड होगा, तभी ये वैक्यूम क्रिएट होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या फिर जो मेम्ब्रेन रीसेलर्स होते हैं, कई बार हमें जो है कंप्लेंट्स आती है, तो वहाँ पे हमें मेम्ब्रेन का जो प्रॉब्लम है वो टेस्ट करने के लिए ऐसे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। और आपके मेम्ब्रेन वैक्यूम टेस्टेड होंगे तो ज़्यादा करके जाके कस्टमर के पास वो फेल होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ग्लूइंग प्रॉपर हो चुकी है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। जब आप आपके प्रोडक्ट्स को सैम्पल टेस्टिंग में या फिर लॉट टेस्टिंग में अगर आप एक एक प्रोडक्ट भी आपका वैक्यूम टेस्ट करेंगे तो आपको ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि आपका प्रोडक्ट का लॉट सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये मशीन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर्स के ऊपर से, और वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।